नमस्ते दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी पास्ता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ईजी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पास्ता बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस पे मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए एक पतीले में, और एक छोटी चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया है। यहाँ पे मैं मैक्रोनी पास्ता का यूज़ कर रही हूँ और ये सूजी का बना हुआ है। ये इसके बाद हम इसमें पानी में पास्ता डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में बॉयल आने देंगे हम अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ता को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे इसे चेक करके देखेंगे। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है और इसे हम एक साइड रख देते हैं और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए और गैस का फ्लेम मैंने लो और मीडियम पे रखा है। इसमें हम डालेंगे ऑयल एक बड़ा चम्मच। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यहाँ पे तेल में बना सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए प्याज और गाजर। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और गाजर ऐड कर देंगे। सब्जियों में आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे गाजर लिया और थोड़ा सा प्याज। इन दोनों को हम लगभग 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्याज और गाजर अच्छे से भून चुका है। तो 1/4 कप के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर से हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो भी कच्चा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर प्योरे। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बिल्कुल पके हुए टमाटर को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और इसे हम यहाँ पे डाल देंगे। और जब तक टमाटर का जो पानी ना सूख जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट भूनेंगे। टमाटर का पानी बिल्कुल सूख चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ सेजवान चटनी लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमेटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पास्ता में। तो दोनों को आपको स्किप नहीं करना है यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सीजनिंग, ऑल पर्पज़ सीजनिंग है, तो ये मेरे पास है इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे ओरिगेनो डाल सकते हैं और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। और दोनों को डाल के अच्छे से आप मिक्स कर दें। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सभी चीज़ें इसमें हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज, तो लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच के करीब मेयोनीज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया मेयोनीज को। उसके बाद यहाँ पे इसका देखिए टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ गया ग्रेवी का। इसके बाद हमने जो पास्ता को उबाल के रखा है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे सारा। पास्ता डालने के बाद अब हम इसे बहुत ही अच्छे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और लगभग 1 से 1.5 मिनट हम इसे इसी तरह से लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारा जो पास्ता है बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और अब हम मैक्रोनी पास्ता को सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारा ये पास्ता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी सॉस के साथ। और इस पर मैं डाल रही हूँ सैलेड का सीजनिंग है ये, तो इसके जगह पे आप थोड़ा सा ओरिगेनो इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया से इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पास्ता बन के तैयार हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।